बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्हीं पाकिस्तान जाग में आपको खुश आमदीद। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकान को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर जाग के नोटिफिकेशन वक्त पर मिलते रहें और आप जाग पर अप्लाई कर सकें। अल्लाह आपको कामयाब करे। तो चलो आज आपको नई वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग वर्क्स फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी है। इस जॉब में डेटा एंट्री ऑपरेटर, डिप्टी इंजीनियरिंग, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें आएँ। इसमें ओवरऑल आपको मैं ये बताऊंगा कि पहली सीट ये है कि चीफ इंजीनियर की है। पीपी स्केल जो है 20 है और नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। मैक्सिमम एज इसकी 50 साल है। इसमें बीएस सिविल इंजीनियर या बीएससी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग विद 25 ईयर एक्सपीरियंस या फिर 20 ईयर एक्सपीरियंस। दूसरी सीट ये है कि असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू 17वें स्केल की है। इसमें 2 पंजाब की सीटें, 1 सिंध की और 1 ओपन मेरिट की सीट है। मैक्सिमम एज इसमें 35 साल है। सेकेंड डिवीज़न जो है ना मास्टर डिग्री इसमें होना ज़रूरी है और 3 से 5 साल एक्सपीरियंस भी हो। तीसरे नंबर पे असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन, ये 17वें स्केल की सीट है और ओपन मेरिट है। एक ही सीट है, 35 साल इसकी एज है। इसमें भी जो है ना सेकंड डिवीजन मास्टर डिग्री हो, 3 से 5 साल का तजर्बा भी। चौथे नंबर पे है असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट, ये 17वें स्केल की सीट है और ओपन मेरिट पर एक ही सीट है, 35 साल इसका जो है ना एज है और सेकंड क्लास मास्टर डिग्री हो, 3 से 5 साल का तजर्बा भी हो। पांचवें नंबर पे आए असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी, ये भी 17वें स्केल की सीट है, एक ही सीट है और वो भी ओपन मेरिट में है, 35 साल इसमें जो है ना एज है और सेकंड क्लास मास्टर डिग्री हो, 3 से 5 साल का तजर्बा भी हो। आर्मी वाले को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा इसमें। छठे नंबर पर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, ये भी एक ही सीट है, ये 16वें स्केल की सीट है, 35 साल जो है ना इसका तजर्बा है, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इसमें क्वालिफिकेशन है, 3 से 5 साल का तजर्बा भी। 7वें नंबर पे है सब इंजीनियरिंग सिविल, ये बीपी स्केल जो है ना इसका 14वां है। एक सिंध की अर्बन और एक सिंध रूरल, 2 सीटें हैं इसकी, 35 साल इसकी उम्र है। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में हो, 3 साल का तजर्बा भी हम रहा हो। आठवें नंबर पर सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, ये 14वें स्केल की सीट है, एक ही सीट है, 35 साल इसकी एज हो और डिप्लोमा इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, 3 साल का तजर्बा भी। इसके बाद 9वें नंबर पर है डेटा एंट्री ऑपरेटर की सीट, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की सीट जो है ना 12वें स्केल की है और इसमें पंजाब की 2 सीटें और सिंध की 1 सीट है, 25 साल इसकी एज है और इंटरमीडिएट सेकंड क्लास में हो। इसमें जो है ना डेटा एंट्री करी 10,000 की डिप्रेशन हो पर आवर के हिसाब से। इसकी लास्ट डेट 10 फरवरी 2020 है, मंडे है। ये वैकेंसी एनटीएस के थ्रू आई हुई है और इसका एड्रेस असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग अथॉरिटी है। दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो जो आपको शेयर कर दी गई है, अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।